हाय दोस्तों, मैं आपके लिए ले आया हूँ 8.3 के सवाल कक्षा 10वीं के। आज लगाएंगे हम 3 से लेके 7 तक। चलो चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल अपना क्या है? तीसरा वाला वन है, यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, तो टू ए एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है, तो अपन हल करेंगे। दिया में जैसे हमने दिया में लिख लिया टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18, जहाँ टू ए एक न्यून कोण है, तो अपन अब क्या करेंगे, ज्ञात करना है। अपन लिख लेंगे अब इसके बाद ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने में अपन को क्या दिया गया, ए का मान दिया गया है, ये तो अपन लिख लेंगे ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे, गणना। ठीक है, तो अपन गणना में क्या करेंगे, अब गणना में अपन शुरू कर देंगे। जैसे अपन गणना में करेंगे, लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a। चलो चलते हैं आगे, फिर बराबर कॉट ए माइनस 18। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये अपन ने इसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद तो होना ही था, ऐसे बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपन ने ये सूत्र लगाया था, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। तो फिर आगे चलते हैं अपन। अपन ने फिर पक्षांतर किया, पक्षांतर करने के बाद अपन ने ऐसा किया, फिर ये अपना क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा बराबर 180। फिर अपन माइनस से माइनस काट देंगे, फिर अपन a बराबर 180/3 आ जाएगा, फिर अपन काट देंगे, बर्बाद हो जाएगा। ए बराबर अपना आ जाएगा क्या, 36 डिग्री, मतलब अपन का ए का मान आ गया। चलो दोस्तों, अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है अपना, यदि टेन थीटा नहीं टेन ए बराबर कॉट वी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस वी बराबर 90। चलो करते हैं, अब लिखेंगे अपन दिया है, दिया अपन ने क्या किया, लिख लिया। अपन दिया में लिखेंगे कि टेन ए बराबर कॉट वी। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने लिख लिया। अब आगे चलते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, अपन लिख लेंगे सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करना है, ए प्लस बी बराबर 90 अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, अपन क्या करेंगे, अब गणना। ठीक है दोस्तों, तो अपन गणना में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन गणना में चलते हैं। गणना करने में क्या करेंगे, टेन ए बराबर हो जाएगा अपना कॉट बी। ठीक है दोस्तों, काट भी हो गया फिर। ठीक है दोस्तों, फिर काट 90 माइनस ए बराबर काट बी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन क्या है, ये टेन थीटा बराबर काट थीटा 90 माइनस थीटा सूत्र होता है, इसके अपन ने माध्यम से रखा था। फिर कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया, 90 माइनस ए बराबर बी बचा। ठीक है दोस्तों, फिर अपन क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पक्षांतर करने के बाद ये आ गया अपन को, पक्षांतर किया अपन ने दोस्तों, फिर आ गया अपना 90 बराबर ए प्लस बी। फिर अपन या लगा के कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90। तो दोस्तों अपना ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अपन लिख सकते हैं यथा ए प्लस बी बराबर 90 सिद्ध हो। चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपन पाँचवें सवाल की ओर। पाँचवा सवाल है अपना, यदि सेक 4a बराबर कासिक ए माइनस वी डिग्री हो, तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात की। दोस्तों यही तीसरा सवाल जैसा है, चलो देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले आप पहले तरह करेंगे, दिया है। ठीक है दोस्तों, अपन ने लिख लिया दिया है। अब दिया है के बाद क्या करेंगे, सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस वी, वो 20 डिग्री हो जाएगा। फिर अपन इसके बाद क्या करेंगे, ज्ञात करना है। ठीक है, चाहे अपन पहले कर सकते हैं, जहाँ 4a एक न्यून कोण, ये लिख ले रहे हैं पहले, कोई टेंशन नहीं है।
चलो दोस्तों चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अपन लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अपन ज्ञात करने पर। ठीक है, ज्ञात करने पर अपन ने क्या किया, लिख लिया। फिर अपन क्या लिखेंगे, ए बराबर क्वेश्चन मार्क सिंप्लीफाई। फिर अपन क्या करेंगे, गणना। गणना करते ही अपन क्या करेंगे, गणना करा थोड़े दोस्तों, गणना अपन ने शुरू की अभी। ठीक है दोस्तों, थोड़ी डिस्टर्ब हो गया था मैं, समझ रहे होंगे आप। फिर सेक 4a बराबर कासेक a माइनस 20 डिग्री, समझ रहे होंगे दोस्तों आप। फिर अपन इसके आगे, फिर इसके आगे अपन क्या करेंगे, कासेक 90 माइनस 4a बराबर, जी दोस्तों कासेक से कासेक कट गया, फिर अपना बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ठीक है दोस्तों, फिर अपन सिग्निफाई पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, माइनस 4a है ही है, फिर माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस न हो जाएगा, जी हो जाएगा 90। ठीक है, अपन एक माइनस से माइनस कर दिया, ए बटे 110 बटे 5 आ गया, ए बराबर, फिर ए बराबर अपना आ जाएगा 22। दोस्तों ये भी हो गया, अब चलते हैं, चलो दोस्तों आप चलते हैं छठवें सवाल की ओर। यदि ए और बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2। तो चलते हैं, दिया है तो अपन को क्या दिया है, दिया है अपन को दिया है त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण एबीसी है। ठीक है, ये अपन को दिया है। ठीक है, फिर अपन को सिंप्लीफाई क्या करना है, ज्ञात करने पर। ठीक है, सिद्ध करने पर कुछ भी लिख सकते हैं अपन, जैसे अपनी मर्जी हो। फिर अपन लिखेंगे साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2। अब लिखेंगे आप सिंप्लीफाई, गणना, गणना कर देंगे, बहुत सरल गणना है, बस यही लिखना है। त्रिभुज एबीसी के कोण, कोण ए बी तथा सी अंतः कोण है, तब कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आपको पता है। अपन लिख भी सकते हैं कोष्टक में त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोण 180 अंश होता है, ये अपन लिख सकते हैं, लिखना चाहिए क्योंकि नंबर नहीं काट सकता टीचर, ये आप समझ रहे होंगे। तो अपन ने सिंप्लीफाई कोष्टक के अंदर लिख दिया, फिर अपन सिंप्लीफाई हल करेंगे, जैसे कि ए बटे 2 प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90, सिंप्लीफाई अपन ने लिख दिया। फिर अपन क्या करेंगे, आराम से बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2, या अपन ने सिंप्लीफाई यहाँ पक्षांतर कर दिया, आपसे बन जाता होगा पक्षांतर करते, पक्षांतर बहुत सरल चीज है। तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी बटे 2, यहाँ अपन क्या करेंगे कास ए बटे 2, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अपन ने सूत्र लगा दिया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, लगाने के बाद ये हो गया, या साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2, बस ये फ्लूड हो गया, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलो दोस्तों अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, सातवें क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। चलो चलते हैं दोस्तों, आराम से चलेंगे, लिखेंगे अपन क्या है, आराम से करेंगे हल, मतलब साइन 67 प्लस कॉस 75
बराबर कास 90 माइनस 23 प्लस साइन 75 15। दोस्तों ये किसके कारण आया, इसमें अपन सूत्र लगाया, अपन ने इसमें कौन सा सूत्र लगाया, सूत्र अभी अब हम लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और दूसरा सूत्र लगेगा इसमें क्या, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आराम से सिंप्लीफाई लगाएंगे, फिर क्वेश्चन ये अपना प्रूव्ड हो गया।